बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग कॉर्नर विद समरीन में मैं हाज़िर हूँ। आज हमारे किचन में बनी है स्टफ़ भिंडी, जो बहुत ही मज़े की होती है। इससे पहले आपने बहुत सारी भिंडियाँ खाई होंगी, लेकिन ये भिंडियाँ बहुत ही मज़े की होती हैं, और अगर आप मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार आपकी भिंडियाँ तैयार होंगी, बहुत ही चटपटी मसालेदार। और इसको बनाना नहायत ही आसान है। इसको बनाने के लिए मैंने क्या किया है, आधा किलो भिंडियाँ ली थी मैंने, और भिंडियों को अच्छे से मैंने वॉश करके छन्नी में रख दिया था। भिंडियां जब सूख गई, मैंने इनका आगे का पार्ट और पीछे का जो होता है इसको कट कर लिया। कट करने के बाद इस तरह मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह मैंने इसको कट किया, इस तरीके से कट किया। और अब हमने हल्के हाथ से बीच में एक कट लगाना है, भिंडी आर पार नहीं होनी चाहिए छुरी, आपने बिल्कुल हल्के हाथ से एक कट लगाना है इस तरीके से। और कट लगा के आपने इसको रखते जाना है साइड पे, सारी भिंडियों को इस तरीके से आपने सारी भिंडियों पे कट लगाना है। मैं पहले से ही लगा चुकी हूँ, अब आपको दिखा दिया है। ये इस तरीके से हमने सारी भिंडियों पर कट लगा लिया है, इस तरीके से लगा दिया है हमने, कोई बीज नहीं निकालने। इसके बाद मैंने पिसी हुई लाल मिर्ची ली है 1 टीस्पून, नमक लिया है मैंने 1 टीस्पून, हल्दी ली है मैंने 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया लिया है 1 टीस्पून, पिसा हुआ ज़ीरा लिया है मैंने 1 टीस्पून, और ये राई ली है मैंने, ये भी मैंने 1 टीस्पून ही ली है। इसके अलावा अगर आप राई के बारे में, आपको आगे चल के बताती हूँ मैं इसका दूसरा हल क्या है। हरी मिर्चें मैंने ली हैं, हरी मिर्चों का पेस्ट मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, और अजवाइन मैंने ली है 1/2 टीस्पून, और ये लहसुन का पेस्ट है मैंने लिया है 1 टेबल स्पून भर के। अब इसके बाद हमने एक बॉल लेनी है, और इसमें हमने सबसे पहले लाल मिर्ची, पिसी हुई लाल मिर्ची डालनी है। सारे मसाले हम डाल देंगे, नमक डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे, धनिया डाल देंगे, ज़ीरा डाल देंगे, ज़ीरा पाउडर, ये सारे पाउडर हैं, अजवाइन डाल देंगे। अजवाइन को हाथ से थोड़ा सा मसल लें। 1 टेबल स्पून के करीब मैंने ये हरी मिर्चों का पेस्ट डाला है। हरी मिर्चों का पेस्ट डालने के बाद मैंने ये लहसुन का पेस्ट डाला है। सब चीज़ें बारीक होनी चाहिए। जो राई थी हमने, राई बहुत मोटी मोटी है, तो इसलिए इसको हल्का सा कूट लेंगे, इस तरीके से थोड़ा सा पाउडर सा बन जाएगा। तो ये राई भी डाल देंगे हम इसमें 1 टीस्पून। इस तरह हमने ये सारे मसाले एक बॉल में डालने हैं, और एक बॉल में डाल के बस आपने इसको एक पेस्ट बनाना है। पतला पेस्ट नहीं, हम गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे। 2 से 3 खाने के चम्मचे इसमें पानी जाएगा, और इस तरीके से हमने चमचे से इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब पानी, आप जितना भिंडियां बना रहे हैं, मेरी आधा किलो भिंडियां हैं तो मैंने उस हिसाब से ये मसाला बनाया है। अब आपने, अगर भिंडियां आपकी ज़्यादा हैं तो आप मसाले की क्वांटिटी को डबल भी कर सकते हैं इस तरीके से। और थोड़े थोड़े पानी से हमने इसको एक पेस्ट बनाना है, गाढ़ा सा। पतला पेस्ट हमें नहीं चाहिए, हमें गाढ़ा पेस्ट चाहिए। इस तरीके से तकरीबन इसमें मैंने 2 टेबल स्पून पानी डाला था, और ये पेस्ट बन गया है। अब इसके बाद जो हमने भिंडियों को कट करके रखा था, इस तरीके से हमने हाथ की मदद से, और ये काम हाथ से ही हो सकता है, छुरी या चमचे से बिल्कुल भी नहीं हो सकता, भिंडी हमारी टूट जाएगी। इस तरीके से हाथ की ही मदद से हमने आहिस्ता आहिस्ता ये जो मसाला है भिंडियों में भर लेना है। इस तरीके से आपने पकड़ना है भिंडी को, और ये सारा जो मसाला है थोड़ा थोड़ा सा करके आपने उंगलियों की मदद से ये भिंडी में भरते जाना है। इस तरीके से मैंने ये सारी भिंडियों पे मसाला लगा लिया है मैंने, इस तरीके से मैंने भर लिया है, ये सारी भिंडियों पे मसाला लग गया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक फ्राई पैन लेना है, एक फ्राई पैन लेंगे। फ्राई पैन में 2 से 3 खाने के चम्मचे आप ऑयल डालेंगे, और ऑयल को हम गर्म होने देंगे। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा, पहले चेक कर लेंगे, थोड़ा सा ऑयल को गर्म होने देंगे। बस अब ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो गया है, और हमने मीडियम फ्लेम रखा हुआ है, मीडियम फ्लेम पे ही हमने भिंडियां बनाएंगे। इस तरह से हमने ये सारी मसाला भरी हुई जो हमारी भिंडियां हैं, एक एक करके हम सारी रख देंगे। और अगर आपके पास जगह ख़त्म हो जाए फ्राई पैन में, तो आपसे कोई मसला नहीं है, आप उसके ऊपर दोबारा से रखना शुरू कर दें। इस तरीके से देखें, मैंने एक डबल तह लगा दी है भिंडियों की, इस तरीके से हमने रख दिया है। और इसको हमने पहले तेज़ आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे भिंडियों को 5 मिनट के लिए। इस तरीके से 5 मिनट तक हमने पहले इसको फ्राई कर लेना है अच्छे से। आंच को हम बढ़ा लेंगे, मीडियम फ्लेम से हम इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम कर लेंगे। इस तरीके से हमने बिल्कुल हल्के हाथ से इसको पलटना है, थोड़ा थोड़ा सा, हल्का हल्का सा पलटना है। पहले हम तेज़ आंच पे इसको पकाएंगे,
जैसे ही हमारी भिंडियाँ फ्राई होने लगेंगी इस तरीके से देखें, बिल्कुल हल्के हाथ से हमने इसको चमचा चलाते जाना है। मसाला बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, थोड़ा बहुत निकलेगा भी तो वो कोई मसला नहीं है, वो भिंडियों पे अच्छा टेस्ट आएगा उससे। इस तरीके से हमने चमचा चलाते जाना है। अब हम आँच को हल्का कर लेंगे, हमारी भिंडियाँ अच्छी खासी फ्राई हो चुकी हैं। इस तरह से हम अब आँच को बिल्कुल हल्का कर लेंगे, मीडियम लो फ्लेम कर लेंगे, और लो फ्लेम पे हमने इसको ढकना ढक के तकरीबन 20 मिनट तक हमने पकाना है। बस हमने ढकना ढक दिया और लो फ्लेम हम कर देंगे और 20 मिनट तक इसको पकने देंगे। 20 मिनट हो गए हैं और ये देखें भिंडियाँ हमारी अच्छी खासी तैयार हो गई हैं, बिल्कुल अच्छे से सॉफ़्ट हो गई हैं भिंडियाँ, और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। अब इसे डिश आउट करते हैं। ये देखें बस हमारी भिंडियाँ तैयार हैं। आप ये भिंडियाँ एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, आप इसको रोटी के साथ खाएं, चपाती के साथ, पराठों के साथ, दाल के साथ, चावल के साथ, ये हर तरीके से ये भिंडी बहुत ही मज़े की लगती है और बहुत हल्की हल्की होती है। गर्मियों में आप दाल चावल के साथ इस भिंडियों को एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही मज़ा आएगा। और अगर आप राई नहीं डालना चाहते तो राई के लिए दो ऑप्शन और हैं, आप लीमू का रस भी डाल सकते हैं मसाले में, और लीमू का रस भी नहीं डालना चाहते तो आप सूखी खटाई डाल सकते हैं, और सूखी खटाई भी अगर नहीं है तो आप कच्चे आम आ रहे हैं कैरी ले लें, और कैरी को बारीक बारीक फांक करके उसका एक पेस्ट बना लें ब्लेंडर में हरी मिर्चों के साथ, और उसको इसमें इसी तरह इस मसाले के साथ मिक्स करके भरें। बेहतरीन किस्म की आपकी स्टफ भिंडी तैयार हो जाएगी जो खाने में बहुत ही लाजवाब है। तो व्यूवर्स, आपको अगर मेरी ये भरी भिंडियों की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट्स कर दें, और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें। इससे मेरी हर आने वाली रेसिपी बआसानी आप तक पहुँच पाएगी। इसके साथ ही दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।